बटाला विखे उस समय सनसनी फैल गई जदों इत्थे 5 महीने पहला व्याही 2 महीने की गर्भवती लड़की ने घर की दूजी मंजिल तो छाल मार दिती। जख्मी हालत में लड़की अमृतसर के हस्पताल में जिंदगी अते मौत की लड़ाई लड़ रही है। इस संबंधी स्थानक लोगों ने दसिया कि अक्सर ही इन्हां दे घर में लड़ाई झगड़ा हुंदा रहिंदा सी अते हुण भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। लड़की परिवार का कहना है कि उन्हां नूं लड़की ने कदे भी नहीं दसिया सी कि उह किद्दां दे हालातां विच रह रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार वालों पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है। गल का कुछ नहीं पता, किसी महल्ले वाले नहीं पता, जो उन्होंने मैरिज हुई उदों भी किसी नहीं पता, जो आई है उदों पता चलिया था विआह हो गया। तो कपड़े धो रही हूँ मैं खड़ी हाँ, तो आई है फटाफट दौड़ दौड़ के आई है, तो उन्हें पैर थले लाया, तो उन्होंने मैं क्या ना कर की करती पी हाँ इदा क्या, तो पिछे मोड़ लिया उन्हें पैर, फिर मेरे वाल देखिया, फिर कोई पिछों आवाज़ आई है उन्होंने, फिर नहीं उन्हें देखिया, फिर फटाफट छाल मारती है इतने बारी नाल पैर वजी आ, फिर इतने आके डिगी आ, फिर पलट के बाजी इतें डिगी आ, तो सस बाद बहर आई है काफ़ी टाइम दरवाज़ा खड़काने तो बाद उत्थे खड़ी है, फोन पर लगी है, वो इतने पई है, सारे इतने गली के इकट्ठे हो के बच्चे चुक रहे, बच्चे चुक रहे हैं, वो नहीं आई, काफ़ी टाइम बाद आई है, तो फोन पर लगी है, तो उत्थे अगों कहिंदी इहदा ते दिमाग च नुक्स पै गया, तो महला इकट्ठा कर लिया इन्हें। बस आई थिंक 3 मंथ होए होने, नहीं कभी कुछ नहीं देखा असी, पता नहीं लड़ाई झगड़े कभी आवाज ही नहीं आई बाहर तक, कभी देखा ही नहीं कुछ, इधर सामने आवाज आती होगी क्योंकि मे भी यार लगे है सामने, वो उत्तों डिगे तो मैं उत्तों आया ही, तो इतने लंबे पे देखे, तो इन्हों का बुआ खड़काया, इन्होंने खोलिया नहीं, आप चुक के दे हॉस्पिटल लग गए, तो नाल इन्हों का मुंडा फिर नाल हो गया, बुआ सारे ने खड़काया, तो पहला खोलन नहीं दे, 10 मिनट नहीं खोलिया, फिर उन्होंने खोलिया, तो फिर उन्होंने कहा स्कूटरी लै गया, उन्हें स्कूटरी बाहर लिया, तो फिर आप मगर बह के मैं उत्तर हॉस्पिटल लै गया। पहला तो मैं पता नहीं है क्योंकि मैं काम पर रहना, मैं रात में आना। इत्थे मेरी भतीजी जिहड़ी उह इत्थे विआही गई सी अज तो 5 महीने पहला, मार्च महीने ही उहदा विआह कीता सी, असीं तो सोचते हैं कि कुड़ी अपने घर बड़ी सुखी वसदी है, बड़ा वधिया वा, तो अज मैनूं दुपहरी कोई 11 बजे नाल फोन, 11:30 बजे फोन आया 12 बजे कि इदां इदां गुड़िया जिहड़ी कोठे तो डिग पई है, तो मैं तो सोचा कि नॉर्मल पैर पूर स्लिप होया होएगा, तो मैं अपनी भरजाई नूं कहा मैं चल कोई नहीं शामी जा के असीं पता लै आवांगे, बट बाद चो मैनूं मेरे भुआई का फोन आया कि कुड़ी जिहड़ी है ज़्यादा सीरीयस आ, उन्होंने बटालियों जवाब देता वा, तो उन्होंने अमृतसर अमनदीप हॉस्पिटल लै गए ने, उत्थे जाके मैं देखा कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब ही, उस तो बाद अं इतने महल्ले च आए हैं, तो महल्ले च आके अं देखा तो पिक्चर कुछ होर ही कि उन्होंने उकसाया गया वा, उन्हें उत्तों छाल मारी है, छाल मारन तो बाद 15 मिनट इतने सड़क तो पई रही है, तो इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोलिया, इन्हों का बूहा खड़काया महल्ले वाले ने, इंसानियत महल्ले च जागती ही, जींदी जागती इंसानियत की मिसाल आ कि महल्ले के बच्चों ने उन्हों जड़ा वा चुक के तो हॉस्पिटल खड़न च मदद की है, महल्ले वाल ने चादर दी, इन्होंने अंदरों कपड़ा तक नहीं कट के दिता कि जिद लपेट के तो अं अगे लैके जा सके, दवा दारू करा सके, महल के प्रैशर करके इन्होंने कह लो कि एक शर्म शर्मसार होने तो बाद कुड़ी जड़ा वा स्कूटरी से लैके गए ने, उ नहीं अगे कभी सानू कोई यह ही अं निश्चिंत ही बेफिक्र ही कि चलो कुड़ी अपने घर जी है हसती वसती है अपने घर वधिया रहन रही है, पर यह पता ही नहीं कि कुड़ी इन अंदरों अंदर इन्ना परेशान करते हैं, हुन महल्ले च यह भी पता लगन डिया कि इन्हां दे घर अगे भी जिहड़ियां ने झगड़े दियां आवाज़ां बाहर नूं आउंदियां ही। नहीं पुलिस नूं हुण नहीं शिकायत की है, जिहड़ा एक्सीडेंट है एक्सीडेंट तौर पर ही शिकायत की है, मैं तो उन्हें इन्हों नूं सगों उत्थे सहानुभूति देण डिया कि चलो जे एक्सीडेंट होया वा तो हादसा जिहड़ा किसी दे हाथ च नहीं हुंदा, पर इत्थे आके पता लगा कि फिल्म कुछ होर ही है, हादसा होया नहीं हादसा बनाया गया वा। देखो जी शार्प दिमाग नाल सारा काम होया, जबकि लड़की वालों 4-5 महीने पता ही नहीं लगा कि साडी धी जिहड़ी किन्नी दुखी है, तो अज जदों असीं महल्ला वासियां दे विच आके मैं खुद गल की है, इतने 2-3 वीर ने उन्होंने ये गल कही है कि कल पूरा झगड़ा हुंदा रहा, लड़की नूं कुट्टिया गया पूरा चंगी तरह तसली नाल, दूसरी गल कि जदों लड़की उपरों छाल मारन लगी है तो आ भैन है एक सामने बिल्कुल घर है, इन्होंने इशारा किया कि मतलब तुसी ना इस तरह ना करो छाल ना मारियो, उन्हें पैर पिछे किया तो मगरों आवाज़ आई है, उन्होंने यहोजी आवाज़ अगों कोई आकर्षित किया होगा, उन्होंने उकसाया गया लड़की नूं कि तू कहनी है मैं छाल मार लगी मार के विखा, ज इस तरह की कोई गल की है, हम असी तो इतने नहीं सी, लेकिन जजमेंट यह कहती है कि वाकई उन्होंने उकसा के तो कुछ छाल मरवाई गई है, कि दिल करता छाल मारने, तीजी मंजिल इन्नी उपरों थले पक्की जगह
वो सिर भार पई है। फिर जी सब तो ज़्यादा मेन चीज़ जी वेखन वाली है कि 15 तो 20 मिनट महल वाले दरवाजा खड़का रहे हैं, तो सासू माँ जी चुप करके फोन पर गल्ला करी गई है, तो फोन पर गल्ला करती करती आराम नाल आई है, धी डिगी हो अपनी ढिडी जमी तो की वो इस तरह फोन पर गल करती रोना पिटना करती कई कुछ करती, लेकिन उन्होंने कोई फिक्र नहीं सी कि साड़ी नूँह जी है उन्हें छाल मारती तो अपने मौत के घाट उतर चुकी है ज उतर जाने वाली है। मतलब ये जड़िया चीज़ा ने नैलसिस कर दी। बाकी एस एच ओ साहब ने मेरी गल हुई रमेश कुमार जी ने सिटी एस एच ओ साहब ने उन्हें पूरा विश्वास दिता, बाट साहब न थानेदार उन्होंने भेजा, आई ओ साहब न अमृतसर, वो अमृतसर ही ने इस वेले अमृतसर ने एस एच ओ साहब कहते जो कार्रवाई बनती है साड़ी अपनी धी है साडे महल की धी है साडे शहर की धी है जो बनती कार्रवाई ठोके करांगे। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सबसक्राइब करो चैनल काशी टीवी, हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज काशी टीवी।